Morning, all dear students. So let's start your next chapter. So here chapter is rain. Page number. Take out 54. Please take out your page number 54. Okay. So let's read this poem. So only four lines. This poem having of four lines. Okay. So rain. Chapter name is rain. The rain is raining all around. Speak with me. Okay. सबको साथ में बोलना है. The rain is raining all around. It falls on the field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ship at the sea. इस पोएम में क्या कह रहे हैं कि जो द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, जो बारिश है वो चारों तरफ हो रही है, ठीक है. इट फॉल्स ऑन द फील्ड पे होती है, ट्रीज पे होती है. इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेला पे होती है एंड ऑन द शिप एट द सी, मतलब हर जगह होती है, ठीक है. सो ये आपको फोर लाइन्स की पोएम कॉपी पे लिखनी है एंड नेक्स्ट आपकी कुछ इसमें वर्क है वो करना है, बुक में फिल करना है सारे, ठीक है. क्लाउड काउंटिंग क्लाउड्स आपको क्या करना है इसमें कि नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्लाउड डिड. सपोज यहाँ ध्यान से देखिए, पहले आपको क्लाउड को आप काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, फिफ्थ वाला क्लाउड क्या कर रहा है. तो आपको ना ये अपने वर्ड्स में लिखना है. सपोज वो डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, आपको जैसे फील हो रहा है, ठीक है. क्या पता मुझे कुछ और लग रहा है, आपको कुछ और लग रहा हो, ठीक है. सो नेक्स्ट, ज़्यादा काम नहीं है आपका. आपको क्या करना है इसमें वर्ड्स फिल करना है. फिल इन द लेटर्स टू कम्प्लीट द क्रॉस वर्ड्स पजल. यूज़ अ पिक्चर्स एज क्लूज. ओके, इसको आपको कम्प्लीट करना है और जो पिक्चर्स है इनका आपको क्लू लेकर फिल करना है, ठीक है. अब ये क्या है, पहला क्या है आपका बर्फ़. तो बर्फ़ क्या है, स्नो. यहाँ पर क्या है, क्या आएगा, SNOW, स्नो. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, विंड, हवा, WIND, विंड. ओके, नेक्स्ट ये क्या है, क्लाउड, CLOUD, क्लाउड. ओके, अब ये क्या है, मून, MOON, मून. ये क्या है, लाइट, LIGHT, लाइट. ओके, सो नेक्स्ट हीट, गर्मी, HEAT, हीट. ये क्या है, डस्ट, DUST, डस्ट. और नेक्स्ट क्या है, स्टार, STAR, स्टार. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वुड यू कॉल दीज पिक्चर्स इन योर लैंग्वेज, नाउ लेबल द पिक्चर इन इंग्लिश. ओके, अभी तो मैंने बताया ऊपर वर्ड्स आए थे, ये सब आपको इनकी स्पेलिंग लिखनी है. पहला क्या है, मून, सन, क्लाउड, स्टार. ओके, तो आपको इनकी स्पेलिंग फिल करनी है. ओके, सॉरी मिस्टेक से ये खुल गया था. ओके, सो ये फिल करना है आपको एंड नेक्स्ट ये आपको रीड करना है, ठीक है. फुल चैप्टर आपको रीड ही करना है. हु एम आई, मैं कौन हूँ. आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, वेदर इट इज़ कोल्ड और हीट. सम टाइम आई एम ऑन द ग्राउंड, अदर टाइम आई एम इन द क्लाउड्स. माई नेम राइम्स विद डॉटर. आई एम योर फ्रेंड नेम, ठीक है. ये कुछ पजल टाइप की चीज़ थी, पहले आप उसको रीड करेंगे. तो इसका आंसर क्या है, वाटर. क्या है मीन्स, आंसर क्या है, वाटर. आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, जब मैं जाता हूँ ऊपर और बहुत को नीचे भाग के लेकर आता हूँ, बहुत सारा पानी आता है भाग के. वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो. सम टाइम आई एम ऑन द ग्राउंड, कभी कभी मैं नीचे होता हूँ. और अदर टाइम आई एम ऑन द इन द क्लाउड, और कभी कभी मैं बादल में होता हूँ. माई नेम राइम्स विद डॉटर, डॉटर से राइम्स होता है, इसका मतलब वाटर. आंसर क्या है इसका, वाटर. ये आपकी राइम्स, ये आपकी पजल थी, ठीक है. अब क्या करना है, लुक एट द फिश, लुक एट दिस फिश टैंक, राइट 3 sentences ऑन व्हाट यू सी. आप क्या देखते हैं इसमें, आप देखते हैं कि दे आर मैनी फिशेस. ओके, और यहाँ पर क्या है, ग्रासेस हैं. तो आपको जो पिक्चर में दिख रहा है वो आपको फिल करना है, ठीक है. सो हेयर आपको क्या करना है, दीज वर्ड्स, वेट हाँ ओके, दीज वर्ड्स अवे, डे एंड प्ले आर राइमिंग वर्ड्स. नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम विद, ठीक है. जो इनसे राइम्स होते हैं उनके ऊपर आपको कलर करना है, ठीक है. तो कौन कौन से होते हैं, मीन्स सेम जो वर्ड्स सेम राइम हो रहे हैं उनको सेम कलर से करना है, ठीक है. जिसमें इन लिखा है तो कौन कौन इनसे हो रहे हैं, जो इन वाले से हो रहे हैं, इसमें रेड होगा, इसमें रेड कलर करना है. पेन,
स्पिन और टिन, टिन और फिन, इसमें आपको रेड कलर करना है। नेक्स्ट है आपका येल्लो, येल्लो किसमें करना है, इसमें डाउन, जैसे कि ब्राउन, फ्राउन, ग्राउन, क्लाउन, ठीक है, और क्राउन, ब्राउन, ठीक है। तो इसमें आपको करना है येलो कलर, फिर ना आता है ब्लू, बाकी जो बचे उसमें ब्लू कलर कर देना, ठीक है। सो फर्स्ट नाउ डू दिस, और नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका लुक एट दिस पिक्चर, और आपको इसे फिल करना है, ठीक है, कौन सी फ्लस में कौन सा वर्ड आएगा। ओके सो पहला क्या है हमारा, द शिप इज सेलिंग ऑन द, कहाँ पर शिप सेल कर रहा है, कहाँ पर तैर रहा है, सी में तो रिवर, तो रिवर में तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, एस ई ए सी, ये क्या है, द डैश फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से क्या बहती है, रिवर, आर आई वी ई आर, रिवर। ओके नेक्स्ट, द डक इज स्विमिंग इन द, अब डक कहाँ पर तैरती है बताइए ज़रा, हैं ओके वेट सॉरी, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे लेक, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है, तो द लेक फ्लोज, ऊपर से लेक आ रही है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट द डक इज स्विमिंग, डक कहाँ तैर रही है, रिवर में, आर आई वी ई आर, रिवर। ओके नेक्स्ट, द फ्रॉग लिव्स इन द, फ्रॉग कहाँ रहता है, पॉन्ड में, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, ओके पी ओ एन डी, पॉन्ड। ओके सो डू इट, ओके सो दिस वॉज योर चैप्टर, यू विल नॉट डू एनीथिंग इन नोटबुक एक्सेप्ट पोएम, आपको खाली 4 lines की पोएम कॉपी में करना है और कुछ नहीं करना है, ओके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का आपको वो क्वेश्चन आंसर नहीं कराएंगे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे फिर उसके कराएंगे, ओके सो डू इट, बाय बाय, टेक केयर।